हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। ऑपरेशन रिसर्च की सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है प्राइमल टू डुअल कन्वर्जन। तो आज हम लोग एलपीपी को डुअल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो देखेंगे। तो उसके लिए हम लोगों को कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो स्टेप्स देखने से पहले फ्रेंड्स, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारे पास जो स्टेप वन है उसमें कह रहा है फर्स्ट वी कन्वर्ट द प्रॉब्लम इन कैनोनिकल फॉर्म। मतलब इस फॉर्म को जो है डुअल फॉर्म में कन्वर्ट करने से पहले हम लोग को कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करते हैं? अगर हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइज रहे तो हम लोग कैनोनिकल फॉर्म में भी मिनिमाइज लिखते हैं, और अगर मैक्सिमाइज रहे तो हम लोग कैनोनिकल फॉर्म में मैक्सिमाइज ही लिखते हैं। और यहाँ पे ग्रेटर देन है और यहाँ पे लेस देन है। इसका मतलब जो हमारा कंस्ट्रेंट्स है, देखिए यहाँ पे जो एलपीपी रहेगा हमारे पास लेस देन, ग्रेटर देन और लेस देन है। तो इस फॉर्म को हम लोग अगर मिनिमाइज में लिख रहे हैं तो हम लोग को ग्रेटर देन और इक्वल टू का सिंबल देना पड़ेगा, और अगर मैक्सिमाइज में है तो लेस देन और इक्वल टू का सिंबल देना पड़ेगा। तो देखिए ये वाला जो है एलपीपी, ये मैक्सिमाइज्ड है। इसका मतलब हम लोग ऑब्जेक्टिव फंक्शन को तो मैक्सिमाइज्ड में ही लिखेंगे और कंस्ट्रेंट्स को हम लोग सारा लेस देन और इक्वल टू के सिंबल में लिखेंगे। तो आइए अब हम लोग इस फर्स्ट स्टेप को जो है यहाँ पे पूरा कर लेते हैं। हम लोग यहाँ इस एलपीपी को कैनोनिकल फॉर्म बनाते हैं इसका। तो कैनोनिकल फॉर्म बनाने के लिए हम लोग के पास मैक्सिमाइज जेड है, तो इसको मैक्सिमाइज जेड ही लिखेंगे। इक्वल्स टू हो जाएगा एक्स वन प्लस टू एक्स टू प्लस एक्स थ्री, और हमारे पास कंस्ट्रेंट्स दिए हुए हैं यहां पर है लेस देन और इक्वल टू का सिंबल। मैक्सिमाइज है तो हम लोगों को लेस देन और इक्वल टू का यूज करना पड़ेगा। तो यहां ऑलरेडी लेस देन है तो ये लेस देन हम लोग इसको चेंज करना नहीं है। टू एक्स वन प्लस एक्स टू माइनस एक्स थ्री लेस देन और इक्वल टू टू। सेकेंड वाला हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू का सिंबल है, तो इसको लेस देन में कन्वर्ट करने के लिए माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा टू एक्स वन माइनस एक्स टू प्लस फाइव एक्स थ्री और लेस देन इक्वल टू सिक्स, ये बन गया। और थर्ड वाला को भी लेस देन इक्वल टू का सिंबल है तो हम लोग इसको भी चेंज नहीं करेंगे। तो ये भी हो जाएगा फोर एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री लेस देन और इक्वल टू सिक्स, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे x1, x2 और x3 जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। तो ये एलपीपी है हमारे पास, इसको हमने कैनोनिकल फॉर्म में जो है कन्वर्ट कर दिया। अगर यहाँ पे मिनिमाइज जेड रहता तो कैनोनिकल फॉर्म में मिनिमाइज जेड ही लिखते, लेकिन यहाँ पे जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू का सिंबल देके लिख देते। मतलब हम लोग ये सेकेंड वाले इक्वेशन को चेंज नहीं करके फर्स्ट और थर्ड को चेंज करते अगर यहाँ पे मिनिमाइज जेड रहता। तो इसके बाद का स्टेप देखते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद बोला है चेंज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ द मैक्सिमाइजेशन इन द प्राइमल इनटू मिनिमाइजेशन इन द डुअल एंड वाइस वर्सा। मतलब हम लोग के पास ये जो था हमारा कैनोनिकल फॉर्म, उसमें मिनिमाइजेड हम लोग इस वाले के लिए मैक्सिमाइजेड है। तो अगर मैक्सिमाइजेड रहा तो मिनिमाइज में कन्वर्ट कर देंगे, और अगर मिनिमाइजेड रहा तो मैक्सिमाइजेड में कन्वर्ट करेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन को। और इसी तरीके से हमारा सिंबल भी जो है चेंज हो जाएगा। मैक्सिमाइजेड करेंगे और यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल, और अगर मिनिमाइजेड रहा तो हम लोग उसको चेंज करके लेस देन इक्वल टू का सिंबल में चेंज कर देंगे। इसका मतलब इस वाले प्रॉब्लम के लिए यहाँ पे देखिए हमारा कैनोनिकल फॉर्म बना है, यहाँ पे जो है डुअल फॉर्म बनाएंगे। स्टेप बाय स्टेप हम लोग जो है फॉलो करते जाते हैं। डुअल फॉर्म बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैक्सिमाइज जेड बोला है और उसको बोला है कि मिनिमाइज जेड हो जाएगा, तो हम लोग मिनिमाइज जेड लिख दिया इक्वल्स टू, और मिनिमाइज जेड के साथ क्या है, मिनिमाइज जेड के साथ जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू का सिंबल है। तो मतलब जो हमारा कंस्ट्रेंट्स बनेगा वो सारा ग्रेटर देन इक्वल टू के सिंबल में बनेगा। मतलब ये लेस देन था तो जब हम लोग कंस्ट्रेंट्स को लिखेंगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू का यूज करेंगे। ठीक है, तो जब हम लोग कंस्ट्रेंट्स लिखेंगे तो ग्रेटर देन लिख देंगे। अब इससे पहले हम लोग जो है नेक्स्ट स्टेप उसको देख लेते हैं। यहाँ पे बोला है द नंबर ऑफ वेरिएबल इन द प्राइमल विल बी द नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स इन द डुअल एंड वाइस वर्सा। मतलब अगर हम लोगों के पास प्राइमल में नंबर ऑफ वेरिएबल अगर एन है और नंबर ऑफ वेरिएबल कंस्ट्रेंट्स एम है, अगर ये चीज मतलब ये प्राइमल के लिए है, अगर ये चीज है तो हम लोग को डुअल के लिए क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स हो जाएगा हमारा, यहां पे नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स एम है तो यहां पे नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स एन हो जाएगा, और नंबर ऑफ वेरिएबल
हो जाएगा हमारा m। तो मतलब देखिए इस वाले प्रॉब्लम के लिए कितने वेरिएबल है, x1 x2 x3 तीन वेरिएबल है और नंबर ऑफ कंस्टेंट्स 1 2 3 तीन कंस्टेंट है। तो यहाँ पे तो तीन तीन ही है, तो यहाँ पे हम लोग का चेंज तीन ही होगा, कोई मतलब फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हमारे पास इसी एग्जाम्पल में तीन वेरिएबल होता और चार कंस्टेंट्स होते तो हमारा जो डुअल फॉर्म बनता उसमें चार वेरिएबल होते और तीन कंस्टेंट्स होते। तो इस वाले प्रॉब्लम में जो हमारा वेरिएबल रहेगा आप बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए तीन कंस्टेंट्स है तो मतलब हमारा तीन वेरिएबल रहेगा। तो तीन वेरिएबल रहेगा तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं लेट W1 W2 और W3 बी डुअल वेरिएबल्स, क्योंकि हम लोग को पता चल गया कि तीन वेरिएबल बनने वाला है क्योंकि तीन कंस्टेंट्स है हमारे पास। चलिए तीन वेरिएबल बन गए ये पता चल गया हम लोगों को, और हमारे पास जो इस वाले एग्जाम्पल में बनेगा चार वो तीन कंस्टेंट्स भी बनेंगे। इसके बाद है कॉस्ट कोएफिशिएंट इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ द प्राइमल विल बी द आरएचएस कॉन्स्टेंट ऑफ द कंस्टेंट्स इन द डुअल एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब हम लोग को बोल रहा है जो हमारे पास मैक्सिमाइज जेड का कॉस्ट कोएफिशिएंट है, मैक्सिमाइज जेड का कॉस्ट कोएफिशिएंट क्या है, x1 के लिए 1 है, x2 के लिए 2 है और x3 के लिए 1 है। तो ये जो कॉस्ट कोएफिशिएंट है ऑब्जेक्टिव फंक्शन का ये हमारा आरएचएस वैल्यू हो जाएगा, और जो आरएचएस वैल्यू है वो हमारा कॉस्ट कोएफिशिएंट हो जाएगा। मतलब हम लोग मिनिमाइज जेड इक्वल टू लिख सकते हैं 2, क्योंकि पहला हमारा कंस्टेंट्स के राइट हैंड साइड में 2 है और हमारा डुअल वेरिएबल है W1 W2 W3, तो हम लोग लिखेंगे 2W1 प्लस, इसके बाद है हम लोग का 6 तो यहाँ पे लिख देंगे 6W2 प्लस 6 है हमारा इसके बाद भी तो 6W3। ये बन गया हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इसके बाद का है हम लोगों को कंस्टेंट्स लिखना, तो कंस्टेंट्स कैसे लिखेंगे, ये तो पता चल गया कि 1, 2 और 1 जो है ये वैल्यू हम लोग का राइट हैंड साइड में आने वाला है, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ 2 और यहाँ पे 1 आएगा। तो जब हम लोग कंस्टेंट्स को लिखेंगे तो 1, 2 और 1 लिख देंगे, और लेस देन इक्वल टू भी जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आगे का रूल को देखते हैं। इसके बाद है हम लोगों को बोला है फॉर फॉर्मुलेटिंग द कंस्ट्रेंट्स वी कंसीडर द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इसका मतलब हमारे पास जो है कैनोनिकल फॉर्म ये है, इसका मैट्रिक्स बनाएंगे। इसका मैट्रिक्स देखिए मैं यहाँ पे बनाती हूँ रफ में। मैट्रिक्स क्या होगा, कंस्टेंट्स का मैट्रिक्स हो जाएगा 2, 1, -1, सेकेंड वाले का है 2, -1, 5, इसी तरीके से थर्ड में है 4, 1 और 1। ये है हमारा मैट्रिक्स, इसको हम लोग ट्रांसपोज मैट्रिक्स बनाएंगे, मतलब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो और कॉलम इंटरचेंज होगा, मतलब 2, 1, -1 है तो इसको ऐसे लिखेंगे 2, 1, -1, फिर 2, -1, 5, 2, -1, 5, इसके बाद है 4, 1, 1, तो 4, 1, 1। ये बना हमारा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, और इसी मैट्रिक्स को जो है हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कंस्टेंट्स बनाएंगे। तो क्या होगा, 2W1 प्लस 2W2 प्लस 4W3, तो यहां लिख देंगे 2W1 प्लस 2W2 प्लस 4W3। इसी तरीके से नेक्स्ट हो जाएगा W1 -W2 प्लस W3, और लास्ट कंस्टेंट होगा -W1 प्लस 5W2 प्लस W3। तो ये कंस्टेंट्स बन गया। हम लोग जानते हैं लेस देन इक्वल टू का सिंबल है, ग्रेटर देन इक्वल टू कर देंगे, और ये जो 2, 6, 6 था ये इंटरचेंज हो जाएगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन से और उसका वैल्यू आ जाएगा, यानी कि फर्स्ट वाले के लिए 1, सेकंड x2 के लिए 2 है और थर्ड x3 के लिए 1 है। तो ये बन गया हमारा डुअल फॉर्म, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे W1, W2 और W3 जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। तो फ्रेंड्स ये एक एग्जाम्पल को जो है हमने सॉल्व किया है। यहाँ पे देखिए मैंने ये बॉक्स बना के लिखा है, इसको याद रखना है, अगर प्राइमल फॉर्म में मिनिमम रहा तो कैनोनिकल फॉर्म में मिनिमम रहेगा और उसके कंस्टेंट्स में सारे ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल रहेगा, और डुअल फॉर्म में ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज रहेगा और कंस्टेंट्स सारे लेस देन और इक्वल टू के सिंबल में रहेंगे। और अगर प्राइमल में हमारा मैक्सिमाइज रहा ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो कैनोनिकल फॉर्म में मैक्सिमाइज रहेगा और कंस्टेंट्स लेस देन इक्वल टू के सिंबल में रहेंगे, और उसके साथ हमारा जो डुअल फॉर्म में रहेगा मिनिमाइज रहेगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन और कंस्टेंट सारा ग्रेटर देन और इक्वल टू के सिंबल में रहेंगे। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स हम लोग
जिस तरीके से हमने इसका डुअल फॉर्म निकाला है, और भी एग्जांपल को देखेंगे और डुअल फॉर्म उसका निकालेंगे। और एक चीज याद रखना है कि यहाँ पे देखिए x1, x2 और x3 जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है, तो आप लोगों को भी ध्यान रखना है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अगर कोई वेरिएबल मान लीजिए x3 अगर यहाँ पे अनरिस्ट्रिक्टेड रहता तो उसको हम लोग जो है पहले कन्वर्ट करते ग्रेटर देन इक्वल टू में और उसके बाद फिर सॉल्व करते। तो आइए और एग्जांपल को देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए हमारे पास हमने एक और एग्जांपल लिया है, इस एलपीपी को भी हम लोग को डुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उससे पहले हम लोग को क्या करना है, कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज है, तो अगर हमारा प्राइमल में मैक्सिमाइज रहे तो हम लोग कैनोनिकल फॉर्म में मैक्सिमाइज रखना है और उसके कंस्ट्रेंट्स में जो है लेस देन और इक्वल टू का सिंबल रखना है। तो इसमें देखिए ये मैक्सिमाइज है और इससे कंस्ट्रेंट्स में जो है सारे कंस्ट्रेंट्स में लेस देन और इक्वल टू का सिंबल है, इसका मतलब ये ऑलरेडी जो है कैनोनिकल फॉर्म में है। तो इसमें अब हम लोग को कोई चेंजिंग करने का जरूरत नहीं है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे कैनोनिकल फॉर्म को बिल्कुल इसी तरीके से लिख दिया है। अब हम लोग का स्टेप टू में है कि हमारा जो मैक्सिमाइज जेड है उसको मिनिमाइज जेड में कन्वर्ट करना है। तो हमारा यहाँ पे डुअल फॉर्म होगा क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमाइज जेड है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग इसको लिख देंगे मिनिमाइज जेड, और मिनिमाइज जेड के साथ क्या हो जाएगा, ये जो लेस देन इक्वल टू का सिंबल है वो ग्रेटर देन में कन्वर्ट कर देंगे। तो जब हम लोग कंस्ट्रेंट्स को लिखेंगे तो ग्रेटर देन में लिखेंगे। इसके बाद जो है हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसमें जो कॉस्ट कोएफिशिएंट है वो हो जाएगा हमारा 10, 2 और 6, क्योंकि ये हमारा RHS वैल्यू हो जाता है। अब देखिए हमारे पास तीन है वेरिएबल है x1, x2, x3 और तीन कंस्ट्रेंट्स भी है, तो हमारा जो डुअल फॉर्म में जो वेरिएबल होगा वो भी तीन होगा क्योंकि तीन कंस्ट्रेंट्स है। तो हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं लेट w1, w2 और w3 जो होगा हमारा डुअल वेरिएबल होगा क्योंकि वो इंटरचेंज हो जाता है। हमारा x1, x2, x3 है और तीन कंस्ट्रेंट्स भी है, तो इसीलिए हमने लिखा कि W1, W2 और W3 जो होगा वो डुअल वेरिएबल होगा, तीन डुअल वेरिएबल होगा क्योंकि यहाँ पे तीन कंस्ट्रेंट्स हैं। अब मिनिमाइज जेड में क्या लिखेंगे, 10, 2 और 6 है हमारा RHS वैल्यू, तो यहाँ पे लिख देंगे 10W1 प्लस 2W2 प्लस 6W3। अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे अपना कंस्ट्रेंट्स। हम लोग कंस्ट्रेंट्स को कैसे लिखते हैं, हमारा ट्रांसपोज करके, तो यहाँ पे देखिए 1, 2 और 2 है, तो 1, 2 और 2 को हम लोग इस तरीके से लिखेंगे। ये कॉलम वाइज है तो इसको रो वाइज में लिखेंगे, मतलब W1 प्लस 2W2 प्लस 2W3 और लेस देन इक्वल टू का सिंबल है ग्रेटर देन इक्वल टू कर देंगे, और हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो x1 के साथ है 1 तो यहाँ पे आ जाएगा 1। इसके बाद सेकंड हम लोग कंस्ट्रेंट्स को लिखेंगे, यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 0 और यहाँ पे है -2, तो हमारा हो जाएगा W1, W2 0 रहेगा क्योंकि यहाँ पे x2 के साथ 0 है और -2 होगा यानी कि -2W3। यहाँ हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू, x2 के साथ है हमारा -1 तो यहाँ पे लिखेंगे -1। इसके बाद थर्ड कंस्टेंट्स को लिखेंगे, x3 के साथ है 1, -1 और +3, तो हम लोग का हो जाएगा W1 -W2 और यहाँ पे +3W3 ग्रेटर देन इक्वल टू, x3 के साथ है हमारा 3 तो यहाँ पे हो जाएगा 3। तो ये बन गया हमारा डुअल फॉर्म, और यहाँ लिख देंगे W1, W2 और W3 जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। इसी तरीके से और आगे एग्जांपल सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे पास ये एक दूसरा एग्जांपल है, इसमें देखिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइज है और हमारा कंस्ट्रेंट्स में जो है ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू का सिंबल है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर प्राइमल फॉर्म में मिनिमाइज रहे तो हम लोग को कैनोनिकल फॉर्म में मिनिमाइज और ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल देना है। तो ये तो ग्रेटर देन सही है, ये लेस देन है तो इसमें -1 से मल्टीप्लाई करके हम लोग ग्रेटर देन भी कर देंगे। यहाँ पे इक्वल टू का सिंबल है तो इस वाले में हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग एक तो पहले लिखेंगे सेम चीज को लिख देंगे x1 -x2 +3x3, एक बार लिखेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 4 और दूसरा बार हो जाएगा x1 -x2 +3x3 लेस देन और इक्वल टू 4। तो इस तरीके से हमारे पास जो होगा चार कंस्ट्रेंट्स हो जाएंगे, ये पहला, दूसरा और ये दोनों के लिए 3 और 4, तो हमारे पास जो है तीन वेरिएबल हो जाएंगे और चार कंस्ट्रेंट्स हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग अब इसका पहले कैनोनिकल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद डुअल फॉर्म में करेंगे। तो यहां पे हो जाएगा मिनिमाइज z इक्वल्स टू
0x1 प्लस 2x2 प्लस 5x3 और कंस्ट्रेंट्स हो जाएगा हमारे पास, पहला ग्रेटर देन इक्वल टू है तो ये सही है, तो यहाँ पे हो जाएगा x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। सेकेंड हमारा लेस देन में है तो इसमें -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब -2x1 -x2 -6x3 लेस देन की जगह हो जाएगा ग्रेटर देन -6। इसको हम लोगों ने लिखा है दो तरीके से, पहला ये और दूसरा ये, तो ये तो ग्रेटर देन है, इसको ऐसे ही लिख देंगे x1 -x2 प्लस 3x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, और ये लेस देन है तो इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि हो जाएगा -x1 प्लस x2 -3x3 ग्रेटर देन इक्वल टू -4। तो ये बन गया हमारा कैनोनिकल फॉर्म। इसके बाद हम लोग इससे ड्यूअल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए ड्यूअल फॉर्म में जो है मिनिमाइज है, तो हम लोग यहाँ पे अब मैक्सिमाइज लिखेंगे, मैक्स जेड इक्वल्स टू, हम लोग जानते हैं कि वेरिएबल और कंस्ट्रेंट जो है इंटरचेंज होता है, मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल जितने हैं वो नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं, x1 x2 x3, तीन जो है हमारे पास वेरिएबल है, तो यहाँ पे है जो तीन कंस्ट्रेंट्स होगा, और हमारे पास जो है यहाँ पे चार कंस्ट्रेंट्स है, तो चार कंस्ट्रेंट्स है तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ वेरिएबल होगा वो चार होगा, मतलब ड्यूअल फॉर्म में। तो यहाँ पे यानी कि चार कंस्ट्रेंट्स है, यहाँ पे चार वेरिएबल होगा, तो हम लोग यहाँ पे पहले लिख देते हैं लेट w1 w2 w3 और w4 बी ड्यूअल वेरिएबल्स, ठीक है, क्योंकि तीन वेरिएबल चार कंस्टेंट्स है, इसका मतलब यहाँ पे चार वेरिएबल तीन कंस्टेंट रहेगा, तो मैक्सिमाइजेड हो गया। इसके बाद क्या है, हम लोग लिखेंगे टू राइट हैंड साइड वाला वैल्यू, 2w1 -6w2, इसके बाद है 4 और -4, मतलब +4w3 -4w4, ये बन गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इसके बाद कंस्टेंट्स को लिखेंगे, यहाँ पे होगा x1, इस मैट्रिक्स का हम लोग ट्रांसपोज करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, x1 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 है, ठीक है, यहाँ पे x2 है सारा और x3 जो है यहाँ पे 0 है, तो इस तरीके से लिखेंगे क्या होगा, w1 -2 w2 +w3 और इसके लिए होगा -w4, ग्रेटर देन का सिंबल है तो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू का सिंबल लिखेंगे, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन में x1 का हमारा वैल्यू 0 है, यहाँ पे हो जाएगा 0। इसके बाद सेकंड कंस्ट्रेंट्स बनाएंगे, x2 के लिए है +1 -1 -1 और +1, तो मतलब w1 -w2 -w3 +w4, यहाँ भी होगा लेस देन इक्वल टू का सिंबल और x2 के साथ है 2, तो यहाँ लिख देंगे 2। अब थर्ड बनाएंगे तो यहाँ पे देखिए x3 का वैल्यू जो है 0 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 इंटू w1, इसके बाद होगा -6w2 +3w3 -3w4, और यहाँ भी हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू 5, और इसके साथ हम लोग लिखेंगे w1 w2 w3 और w4 जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो फ्रेंड्स ये तो हमारा बन गया है ड्यूअल फॉर्म, अगर हम लोग चाहे तो इसको रीअरेंज करके भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे इसको रीअरेंज। रीअरेंज करने में क्या है कि देखिए हमारे पास जो है चार वेरिएबल आ गया है, तो हम लोग इसको तीन वेरिएबल में कन्वर्ट करना है तो हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए w3 जो है, w3 और w4, इसके जगह हम लोग w3 लिख देते हैं, मतलब w3 -w4 के जगह हम लोग w3- लिख देते हैं। तो चलिए ये वाला हम लोग कन्वर्शन करते हैं, मैक्स जेड इक्वल टू क्या होगा, 2w1 -6w2, इसके बाद हम लोग 4 कॉमन लेंगे तो w3 -w4 आएगा, उसके जगह हम लोग w3- लिखेंगे, तो यहाँ पे 4 लिखे और w3- लिख दिए। इसके बाद हम लोग कंस्टेंट्स को लिखेंगे, हमारे पास फर्स्ट कंस्टेंट है w1 -2w2 और प्लस यहाँ पे w3 -w4 है, इसकी जगह हम लोग w3- लिख देंगे लेस देन इक्वल टू 0। सेकंड में भी हम लोग उस तरीके से लिखेंगे w1 -w2 माइनस
डब्ल्यू थ्री माइनस माइनस कॉमन ले लिए हैं, तो डब्ल्यू थ्री माइनस डब्ल्यू फोर बचेगा, उसकी जगह हम लोग लिख देंगे डब्ल्यू थ्री डैश लेस देन इक्वल टू टू। इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं ये तो जीरो है, यहाँ पे लिखेंगे माइनस सिक्स डब्ल्यू टू प्लस थ्री, यहाँ से थ्री कॉमन लिए तो क्या हो जाएगा डब्ल्यू थ्री माइनस डब्ल्यू फोर, उसकी जगह हम लोग लिख देंगे डब्ल्यू थ्री डैश लेस देन इक्वल टू फाइव। अब देखिए हम लोग यहाँ पे लिखे थे डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू डब्ल्यू थ्री डब्ल्यू फोर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, लेकिन यहाँ पे क्या होगा डब्ल्यू थ्री डैश जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ डब्ल्यू वन और डब्ल्यू टू जो होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा, और डब्ल्यू थ्री डैश जो होगा वो अनरिस्ट्रिक्टेड होगा। मतलब अगर कोई वेरिएबल हमारा अनरिस्ट्रिक्टेड है तो उसको हम लोग ग्रेटर देन और इक्वल टू में कन्वर्ट करने के लिए उसको किसी दो वेरिएबल के डिफरेंस से रिप्लेस कर देंगे। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को भी हम लोग सॉल्व करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो आज हम लोग स्टेप्स को याद रखते हैं, हमारे पास जो पांच स्टेप्स हैं उनको अच्छे तरीके से। तो अगर आप लोगों को ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच गाइज।